सबका स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो Q10 की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका साउंड कैसा है, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है और इसमें बेस वगैरह कैसे हैं, तो इसके टच, इसके अंदर टच कंट्रोल वगैरह जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं और इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बोल्ट ऑडियो Q10 का बॉक्स कुछ ऐसा आता है। एज यू कैन सी यहाँ पे विकी कौशल का ऑटोग्राफ दे रखा है, क्योंकि विकी कौशल इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे Q10 मेंशन है और यहाँ पे जो हमारे एयरपॉड्स हैं वो हमें दिख जाते हैं, जो हमारे TWS हैं वो दिख जाते हैं और इस साइड भी हमें वही अपने TWS दिखते हैं और इस तरफ कुछ इसकी मेन हाईलाइट्स दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। 3D अकोस्टिक के साथ मतलब वेल ट्यून्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को माइक भी देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर आप लोगों को वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और टच कंट्रोल्स भी इसमें देखने को मिलने वाला है और आप इसे टच कंट्रोल के थ्रू कॉल्स और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर आप लोगों को स्टूडियो कॉलिंग माइक भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और इसके प्राइसिंग की बात करें तो लगभग अभी ये जो मिल रहा है लगभग 1300 रुपये का आप लोगों को अमेजोन पर मिल जाएगा। बात का नहीं पता क्योंकि ये लॉन्च के टाइम पर लगभग इसका प्राइस 1300 रखा गया है और बाद में इसका प्राइस इसमें जिसमें जो इसकी MRP है उस पर लगभग 5000 रुपये का इस पर MRP है। हालांकि तो बोल्ट ऑडियो Q10 का बॉक्स कुछ खुल चुका है और कुछ इस तरह दिख रहा है, इसके ऊपर की मैंने पन्नी हटा दी है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोल्ट ऑडियो ने अपनी ब्रांडिंग मेंशन कर रखी है और उनका लोगो है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये इसमें हमें 1 ईयर वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, इसको भी साइड करते हैं और इसके अंदर हमें जो है इसका यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है जो कि कोई नहीं पढ़ता, इसको भी साइड रखते हैं। बोल्ट ऑडियो Q10 का यहाँ पे हमें बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पे इसकी एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चलिए हम अपनी एक्सेसरीज देखते हैं। तो हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और इसमें माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है और जो कि बहुत ही घटिया बात है, जिसमें हम इसको भी खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसे निकलता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, काफ़ी मुझे प्रीमियम लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका माइक्रो USB पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और तो इसके डिज़ाइन की बात कर लें और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी बढ़िया वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया है और इसको खोलने और बंद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। आराम से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप आराम से ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। बहुत ही सही लुक दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने WTS को निकालते हैं, उसको कुछ काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होल्ड करने में बहुत ही लाइट है और बहुत ही बढ़िया ये लुक दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब चलिए अब हम इसको कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों WTS को बाहर निकाल लेना है और इसको बंद करके साइड में रख देना है। ब्लूटूथ खोलना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें ऑडियो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोल्ट ऑडियो एयर बेस Q10 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमें। फाइनली कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 90% बैटरी शो कर रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब चलते हैं और हम इसका ऑडियो टेस्ट वगैरह करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि इसका साउंड वगैरह कैसा है। तो फाइनली कनेक्ट हो चुका है, गाना चल रहा है और मैंने ऑडियो फुल कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल है और गाना भी चल रहा है। मैंने ऐसा गाना चलाया है कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बेस नहीं है, इससे ये पता चलेगा कि इसकी वॉइस कितना साफ है कि नहीं। अभी काफ़ी ज़्यादा और वॉइस जो अभी तक मेरे को सुनने मिली काफ़ी क्रिस्प है और काफ़ी बढ़िया आवाज़ अभी तक दे रहा है। बेस हालांकि कम है, अभी देखते हैं बेस वाला गाना भी चला के देखते हैं इसमें। तो इसकी जो फिटिंग वगैरह की बात कर ले तो इसमें जो ये फिट काफ़ी बढ़िया आता है, आपने देखा कि मेरे को अभी मैंने 10 मिनट पहना, 10 मिनट में तो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैंने अपने कान में कुछ पहन रखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और इसकी अभी जो मैंने गाना चलाया था जिसमें ऑडियो काफ़ी सही था, मतलब वॉल्यूम काफ़ी सही था और इसका जो बेस था काफ़ी कम था, अभी हम बेस वाला गाना चला के देखने वाले हैं और फिर इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर बेस कैसा है, फिर उसके बेस पे मैं आप रिव्यू करूंगा कि कैसा ये है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अभी इसके अंदर
इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, अभी बस इसका बेस टेस्ट करके फिर बात करते हैं। तो टच कंट्रोल अभी मैंने टेस्ट कर रहा था, टच कंट्रोल भी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बेस के मामले में काफी घटिया है, मैंने इसे बस 10 मिनट में जज कर लिया कि कैसी क्वालिटी का है ये, बस मूड खराब हो गया है। इसका बेस काफी कम है, अगर 100 होगा तो ये 10 है, तो आप समझ सकते हैं अगर 100 में से इसे मार्क्स देंगे तो इतना घटिया है। तो जो कंपनी की बातें थी मैं आप लोगों को वो कुछ बता देता हूँ आप लोगों को, मतलब ये लॉन्च होने से पहले कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था कि इसके अंदर जो बेस होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था कि ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी, कि इसका बेस काफ़ी ज़्यादा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर मैंने रख दिए हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल भी जो है WTS है, इसके अंदर बेस बहुत कम है, वॉल्यूम में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बट बेस अगर आप इसे बेस के लिए यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेकार हो जाएगा। इसके अंदर ट्यूब बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ होना या ना होना, पता नहीं कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, उसका क्या कहना, अब तो वही जाने। और इसकी साउंड क्वालिटी में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में काफ़ी सही है। और इसमें एक चीज़ और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था उसमें जो है इसको एक चीज़ और टेस्ट किया, इसके अंदर बोला गया था कि इसके अंदर पैसिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है, बट जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें हमें देखने को मिल रही है वो पता नहीं कैसी पैसिव वॉइस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, बट पैसिव है उसके नीचे आती है, एक्टिव ज़्यादा अच्छे से काम करता है, पैसिव नहीं करता, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी घटिया है। मतलब इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन है ही नहीं, आप ये कंसीडर करिए। और इसके अंदर हम बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप में इसके अगर आप इसमें रखें इसे चार बार फुल चार्ज कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें 18 आवर्स का बैकअप देखने को मिलता है, अगर आप इसे इसमें से निकाल कर 18 घंटे तक इसे यूज़ कर सकते हैं अगर ये फुल चार्ज है तो। और इससे आप सिर्फ बॉक्स से ही 4 बार चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी बैकअप वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। बस सारी जो कंप्लेन है वो बेस से ही है, क्योंकि बेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी मैंने गाना चलाया और एक ही गाना नहीं, मैं तो वीडियो कट कर देता हूँ, इसमें काफ़ी सारे गाने मैंने हो सकता है कि एक गाने में प्रॉब्लम हो, बट सारे गानों में तो नहीं। और इसके अंदर इसकी अच्छी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारी गलत चीज़ें ही बता रहा हूँ। इसके अंदर हमें IP सर्टिफिकेशन IPX5 सेटिव वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसमें मतलब आप लोगों को स्प्लैश प्रूफ वगैरह थोड़ी बहुत पानी की छींटे वगैरह जाएंगी तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें हमें एक ब्लैक कलर देखने को मिलता है, वो ब्लैक कलर तो काफ़ी सिंपल सा हो जाता है, सबके पास होता है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर, पूरी वीडियो में तो देखा ही होगा। तो इसमें 2 कलर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें वॉइस असिस्टेंस भी देखने को मिलता है। अगर आप सीरी चलाते हैं, iOS डिवाइस यूज़र हैं तो आप सीरी को इसमें एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो आप अपना गूगल असिस्टेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, मैंने वीडियो में दिखाया भी, आप टैप करेंगे तो वॉल्यूम मतलब गाना बंद हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। और ये वाला एक छोटा सा फीचर देखने को मिलता है, और इसमें आप इसे कॉल अटेंड करने के लिए भी आप वहाँ पे प्रेस करेंगे तो कॉल पिक हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ इसमें जो बैटरी बैकअप मैंने बताया 18 घंटे का बैटरी बैकअप ओवरऑल देखने को मिलता है। और इसके जो फिटिंग वगैरह की बात है आप लोगों को मैं लगा कर ही दिखा देता हूँ, जो फिटिंग वगैरह है बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसे मैंने लगभग 2 घंटे यूज़ करा है, अभी कट करके मैं इसे थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करना ज़रूरी है, क्योंकि रिव्यू देने से पहले पता होना चाहिए कि हम किस कैसा क्या रिव्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये राइट में लगेगा। फिटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब पेनफुल या बहुत ही लाइट सा फील हो रहा है, बिल्कुल जैसे कुछ लगाया ही नहीं है। बट आप इसे जब निकालते हैं ना तो थोड़ा सा दर्द होता है, वो कोई नहीं, वो तो हर WTS में होता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं एक और चीज़ की, इसका जो प्राइस है वो लगभग अभी जो स्पेशल लॉन्च प्राइस है वो लगभग 1300 रुपये का है, और बाद में ये लगभग 1500 रुपये का मिलेगा शायद। और इसके अंदर हम जो साउंड की पूरे अगर साउंड की बात करें तो इसमें साउंड जो है काफ़ी क्रिस्प है, बस बेस कम है। और इसमें वॉल्यूम और बेस का अगर दोनों को मैनेज करना हो तो हाँ ठीक है, अगर आप बेस लवर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बेस ही साउंड चाहिए ज़्यादा, तो ठीक है आप इसे यूज़ कर। नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह, नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। और अब हम बात करेंगे जो वॉल्यूम है वो ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक ही है, हाँ बिल्कुल सच में ठीक ही है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट बेस ही इसमें नहीं है, मतलब बेस ज़्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा।